आप वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन मोक्ष सॉन्ग बाय मूफर एक्स महाराज कर्तव्य। ओके सो गाइज, ये जो गाना है ये मैं इसके लिरिकल ब्रेकडाउन के साथ मतलब रिएक्ट करने वाली हूँ। तो पहले क्या करते पता है, पहले सॉन्ग सुन लेते हैं एंड उसके बाद रोहन करियापा का जो ब्रेकडाउन है लिरिक्स का, जो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है, वो देखेंगे। ठीक है, सो गाइज, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट ऑन इनटू द वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट देन गाइज। मोक्ष, ओके, मूफर, ऑलराइट। पोसंपा भाई पोसंपा, कलमकार में क्या हुआ, एक लौंडे ने कांड मराई, अब तो सबको आना पड़ेगा खेल। अय्या, ये भी ब्रूटल वाला है क्या? अरे यूज हेडफोन्स गाइस, सॉरी मैंने पहले नहीं बोला। ओ मैन, कलमकार में क्या हुआ, एक लौंडे ने कांड मराई, अब तो सबको आना पड़ेगा, खेल की चोट भी खानी पड़ेगी, हार के गम में पीना पड़ेगा। खींच ले और फील ले अपनी उम्र से छोटे रैपर के अंडर, साइंड शर्म कर, रिपीटेड लाउड मदरफकर विद कृष्णा साइंड अंडर रफ्तार। बट मुझे तो लगा था दोनों की एज सेम है करके, आई हैड नो आईडिया अबाउट दिस। अपनी उम्र से छोटे रैपर के अंडर, साइंड शर्म कर, रिपीटेड लाउड मदरफकर विद मी व्हेन नॉट से फक कलमकार, इनकी दुनिया चूतिया चूतिया, बाकी सब समझदार, रिपीटेड लाउड मदरफकर विद मी व्हेन नॉट से फक कलमकार। टीम से मिले पूछा अब क्योंकि तेरी हो गई उम्र, और इस बीफ के बाद पता नहीं कब जाए तू मर। फाड़ बेटा बिना बोले गाड़ता जमीन में, ग्रो होते अंडरग्राउंड रैपर्स फिर सीन में, डॉलर साइन ने मैं सिक्का, आई मीन मैं सच में चाणक्य, रो तेरे मालिक का गर्दन पे आ लिपटा, पर ध्यान से क्या लिखा, यूज करू गाली का। अंके तो भाई मैंने डिस पूरी फेर मारी, कृष्णा खिलौना मैंने गुड़िया ही पीछ मारी, जिंदगी भर रखो चाहे कलेश चारी, हिला ना पाओगे ये अंगद का पैर भारी, अच्छी खासी जिंदगी में हड़े बड़ी सा, सिनाल का इलाज लाया सर चढ़ी का, मुंह में से पकड़ते मच्छी नहीं हम, तू शार्क तेरे जिसमें वो मुझ चले परी का, तू सबसे खोखला आदमी गोले का, शिववाणी में तांडव भोलेगा, तू मेरी बंदी को जानता ही नहीं, फुंसी से छोटा है साल तेरे लोड़े का, टांगों के पिछोड़ा अदवाने घोटेगा, फाड़ को फर्क नहीं वो दस फैन खो देगा, घर वालों पे बोलेगा गौर अम्मा छो देगा, रागा के सब वाली कबर तेरी खो देगा। और ये बेसुरा बात करे क्लासिकल की, भाइयों किसी भी सुर में पात दो तो कृष्णा ही बोलेगा, इनके पीछे से लड़ने को बापता हूँ बहुत है, जिंदगी में रोज मेरी टापता हूँ मौत में, तू धमकियां देके बने कूल, ठंड रख तेरी लंका ढहेगी, फिर से रावण को खौफ है, ये होता क्या, ओ ऐसे तो करती लुगाई है, बोलो बेटा रा, मुंह में लेने का टाइम है, बेटा मुंह खोलो आ, केला मिलेगा लंच टाइम में, चिनाल बोली वाह, ये तो अच्छा खासा साइज है, टीवी पे आया मैं करियर के तीसरे महीने में, फेम की चुल तो तभी खत्म थी सीने में, किया हासिल तभी पहुंचा यहाँ तक, अड़स्तान मार के आया तुझे भेड़ के दीने पे, घूमते सारे ये झुंड में सह परिवार, जले जाओ जाके कुंड में, उठेगा धुआं दिखेगा नहीं धुंध में, बंटी का साइज बड़ा मॉडल है बुंड में, सांपों के परिवार में छोड़ा हुआ नेब वाला खा जाएगा, रख के छिना ले जा प्लेट ला, डिश में डिस और थोड़ा बहुत हेट ला, मैनेजर का आगे इनसे पहले जाता पेट, वेलकम कृष्णा की आज है गोद बहराई, भरने को गोद तेरी मौत घर आई, महाराजे ने धरती पे धूम मचाई, मैं कब हुआ बेटा तीन लेवल से साइड, तेरे फैक्ट्स भी गलत तेरी बढ़ाई, 10 घंटे में चूतिया वो डिश थी बनाई, तेरी काली कॉपी तेरा एक और भाई, जिसने हसल के स्टेज से जनता बनाई, करियर से रियलिटी शो हटा दो तो रियलिटी में शो लाए घंटा नहीं लाइफ, इज्जत से बैठ जाए खड़ा हो जाए इज्जत में, सिकी डीएमएफ दोनों साथ मेरे मुद्दत से, काफी लोग करना चाहते थे साइन पर, मैं भी किसी एक का हूँ वो भी पूरी शिद्दत से, इतना पुराना खड़े म्यूजियम रिजेक्ट, व्यूज मिले जो किसी के यूज मिले, फैक्ट तुझे दे रहा हूँ ना पर तू भी तो दे, हुआ नहीं उस दिन की सुबह साउंड चेक, फैक के नाम पे तूने सबको ये गोली दी के मेरे अकेले की सांसों पे फूली थी, व्यंजन पे मचानी हल्ला पर बेचम डॉग पे पब्लिक में झूमी थी, तेरे बारे में करूँ क्यों ब्रेनस्टॉर्म, तेरी जिंदगी करियर दोनों लेम बॉस, तेरी टीम बिना तू अपाहिज चिनाल, मैं वन मैन आर्मी स्टिल द सेम गॉड, मिस्टर येलो टूथ डोंट यू डेयर ब्रो, मैं उड़ता परिंदा तू स्केयर ग्रो, फैक्ट के नाम पे पर्सनल अटैक, खुदा ना खास्ता मैं छींकू भी जहर ब्रो, पंचलाइन अंकित के माथे पे खट खट, हेडशॉट परिवार खत्म लाया मैं संकट, मारा गया नंद लाला तेरा नटकट, अब गोपिया भागेंगी छोड़ के अपन घट, हो जाओ सारे इकट्ठे प्रजा मेरी देख लेगी, शर्म की बात है पूरी फौज हिला दी एक नहीं, इनके पीछे से लड़ने को बापता हूँ बहुत है, जिंदगी में रोज मेरी टापता हूँ मौत में, तू धमकियां देके बने कूल, ठंडा रख तेरी लंका ढहेगी, फिर से रावण को खौफ है, ये होता क्या, ओ ऐसे तो करती लुगाई है, बोलो बेटा रा, मुंह में लेने का टाइम है। ओ मैन, लेट्स, ओ मैन व्हाट वाज दैट, शिट, चलो अभी इसका हम सुनते हैं लिरिकल ब्रेकडाउन, ठीक है,
फिर उसके बाद मेरा जो ओपिनियन या रिव्यू बोल सकते हो आई विल गिव इट आफ्टर लाइक यू नो लिरिक्स ब्रेकडाउन देखने के बाद, ठीक है? हेलो नमस्ते पैरी पोना पाए लागू, मेरा नाम है रोहन कार्यपाय। द मच अवेटेड रिस्पॉन्स टू कृष्णाज महारानी डिस्ट्रैक्ट आ चुका है। इट्स कॉल्ड मोक्ष। मोक्ष के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हिंदुइज्म में बोला जाता है कि अगर आप पाप नहीं करते और आपके लाइफ में व्हेन यू लिव अगर आपके कोई डिजायर नहीं होते तो भगवान आपको मोक्ष देते हैं, यानी लाइफ और डेथ का जो साइकिल होता है ना उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको मोक्ष मिलता है आफ्टर यू हैव लिव्ड योर लाइफ एंड आफ्टर यू आर डेड। एंड भगवान कृष्णा लोगों को मोक्ष देते हैं, लेकिन यहाँ पर मूफार्ड कहते हैं कि वो कृष्णा रैपर कृष्णा को मोक्ष देंगे। अ वेरी इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ नेम, सो वील गिव वन पॉइंट टू दिस ट्रैक ऑलरेडी। एंड इससे पहले हम ब्रेकडाउन की तरफ आगे बढ़े, लॉट ऑफ पीपल वर टेक्सटिंग मी एंड सेइंग थिंग्स लाइक, क्योंकि ये 24 घंटे की जो डेडलाइन थी वो मूफार्ड ने फॉलो नहीं करी तो उसके ब्रेकडाउन में कुछ पॉइंट्स कम होने चाहिए। तो पर्सनली आई डू नॉट अग्री टू दैट आइडिया, सो आई वुड नॉट बी जजिंग द ट्रैक बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम इट टुक फॉर एन आर्टिस्ट टू मेक इट और हाउ मेनी व्यूज अ सॉन्ग गॉट। मैं सिर्फ सॉन्ग के लिरिकल एबिलिटी पर पॉइंट्स और ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द ब्रेकडाउन। So the song starts off with a secret games ka dialogue referring to all the messages that Mufad is getting on all the social media platforms saying things like yare tu dar gaya hai tere bas ki nahi hai krishna ko reply dena etc, and here is his response to all of that. Good start. Po sampa bhai po sampa kalamkar mein kya hua ikalonde ne kaand marai ab to sabko aana padega khel ki chot bhi khani padegi haar ke gham mein peena padega. Po sampa bhai po sampa lal kile mein kya hua is an actual hindi nursery rhyme jisko yahan pe use kiya gaya, and the whole flow of these bars are exactly like the original po sampa bhai po sampa. वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। निकलोंडे ने कांड मराई अब तो सबको आना पड़ेगा खेल की चोट भी खानी पड़ेगी हार के गम में पीना पड़ेगा। नाउ दिस रिफर्स टू हाउ मूफार्ड ने कृष्णा को डिस किया तो पूरा कलमकार आके खड़ा हो गया, एंड दैट्स व्हाई मैंने ये प्रेडिक्शन भी दी थी कि शायद हरजस अपना डिस ना निकाले मूफार्ड के अगेंस्ट, बिकॉज आई न्यू कि अगर हरजस डिस निकालेंगे तो वो उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। येट अगेन a right prediction, but now that he has, Mufad has all the rights to diss Kalamkar, he has all the rights to diss Harjas and everyone. Mufad also says ki ab wo pure Kalamkar ko harayenge. Khech le aur feel le. खींच ले एंड फील ले इज अ रिस्पॉन्स टू कृष्णास डिस जिसमें उन्होंने बोला था कि ये पूरा टाइम हाई रहता है, थोड़ा कम माल फूका कर, थोड़ा कम फूक तू मार ली नहीं है हाल ही में सुना तेरी मार ली गई है। तो हियर मूफार्ड इज टेलिंग अबे तू मेरे को कम माल फूकने को बोल रहा है, तू भी एक दो ड्रैग ले और मस्त फील ले माल की। अपनी उम्र से छोटे रैपर के अंडर साइंड शर्म कर। सो मैं अपनी इनिशियल वीडियोस में बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी देता था, अगर मेरे को लगता था कोई चीज गलत हुई है ट्रैक में तो एक माइनस वन पॉइंट भी देता था, जो कि मैंने लेटेस्ट वीडियोस में बंद कर दिया था। बट यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट डिस फैक्चुअली रॉन्ग है। यहाँ पे मूफार्ड ने बोला कि कृष्णा को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने से छोटे उम्र के रैपर जो कि रफ्तार है उनसे साइन हुआ है। तो ओनली थिंग इज कृष्णा की एज अकॉर्डिंग टू गूगल इज 29 एंड रफ्तार की एज इज 31, सो आई वुड डिडक्ट 1 पॉइंट फॉर दैट। रिपीटेड लाउड मदरफकर विद मी व्हेन आई से फक कलमकार इनकी दुनिया चूतिया चूतिया बाकी सब समझदार। This is such a good hook, catchy hook है, and इसको जब live shows में perform किया जाएगा तो it would be a major burn to Kalamkar. Also, it has a reference to Mufad's track दुनिया चूतिया, and वो बोल रहे हैं ये बस कलमकार की दुनिया को छोड़ के बाकी सब समझदार है। टीम से मिले पूछा अब क्योंकि तेरी हो गई उम्र और इस beef के बाद पता नहीं कब जाए तू मर। Taking a dig on how Krishna is old, and that's why कलमकार Krishna को ज़्यादा push या support करता है, because उनका career अभी खत्म होने के verge पे पहुँच चुका है। And then he goes on to say कि इस beef के बाद मूफार्ड कृष्णा को खत्म कर देंगे। मूफार्ड बेटा बिना बोले गाड़ता जमीन में ग्रो होते अंडरग्राउंड रैपर्स फिर सीन में। दिस इज अ सबलिमिनल डिस टू रागा एंड हाउ मूफार्ड रैपर्स के साथ बीफ करके पहले उन्हें गाड़ते हैं एंड देन उस बीफ की हाइप से रैपर्स ग्रो होते हैं। ऑल्सो हियर ही मेटाफराइजेस ऑल ऑफ इट बाय हाउ एक बीज को जब गाड़ते हो तो वो जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड से ग्रो होता है। व्हाट अ ब्रिलियंट लाइन, क्रेजी स्टफ। डॉलर साइन ने मैं सिक्का आई मीन मैं सच में चाणक्य। कृष्णा कॉल्स हिमसेल्फ के आर डॉलर साइन एंड मूफार्ड कहते हैं कि वो डॉलर नहीं है मूफार्ड सिक्का है एंड वो असलियत में चाणक्य है। फर्स्टली दिस रिफर्स बैक टू हैप्पी दिवाला जिसमें उन्होंने बोला था कि महाराज ही चाणक्य। ऑल्सो इनकम टैक्स की 150th
एनिवर्सरी पर उन्होंने 5 रुपए का एक चाणक्य कॉइन भी निकाला था, विच इज वेरी रेयर। एंड इतना रेयर है कि आज की डेट में उस 5 रुपए के कॉइन को अगर आप ऑनलाइन खरीदने जाओगे तो वो 1000 रुपए का बिक रहा है। ब्रो तेरे मालिक का गर्दन पे आलिप्टा, पर ध्यान से क्या लिखा यूज करूंगा लिखा। ब्रो तेरे मालिक का गर्दन पे आलिप्टा इज अ ह्यूज डबल एंटेंडरी। फर्स्ट मीनिंग इज तेरे मालिक का जो ब्रो था यानी मुफाड, वो आज तेरे मालिक की गर्दन पकड़ रहा है। नाउ ये गर्दन वाला रेफरेंस आपको गाने में आगे जाके भी मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सेकंड मीनिंग इज कि ब्रो तेरे मालिक का गर्दन में आ गया है। गर्दन में यानी गले में क्या आया है? गोटे। दैट इज अ मेटाफोरिकल वे ऑफ सेइंग कि तेरा मालिक यानी रफ्तार डर गया है मुफाड से। वन इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज दैट ही सेज, पर ध्यान से क्या लिखा यूज करूं गालिका, बट लिरिक्स दिखाते हैं कि पर ध्यान से क्या लिखा लिखत गालिका यानी रिटन गाली, emphasizing on how the whole sentence is a double entendre. Brilliant line. Ankit da bhai maine dis puri fair mari. By Ankit Mufad means Ankit Khanna, who is the founder and CEO of Kalamkar, and he says how Ankit unka dost tha, isliye he went easy on Kalamkar pehle dis mein. This was a response to Krishna's bar. This minimal tujhe max se dar hai, mere daag peele nahi tere facts ke dar hai. Giving a reason why his diss was minimal. Zindagi bhar rakho chahiye kaleshari. Mufad here says ki ye beef jo hai wo zindagi bhar continue karke rakh sakte hain, unhe Krishna se bilkul bhi dar nahi lagta. Hilla na paoge ye Angad ka pair bhari. Na Angad Ramayan mein ek vanar sena ka part the and mythology mein ye kaha jata hai ki unhone Ravan ke dwar pe jaake sabko challenge kiya tha ki agar koi unka pair zameen se utha pata hai to Ravan ke khilaf yuddh mein haar maan jayenge. And yes, you guessed it right. Koi bhi Ravan ke sena mein se Angad ka bhari pair nahi हिला पाया था। Here Mufad compares himself to Angad, जो कि खड़ा हुआ था रावण के अगेंस्ट। And आपको याद है Happy Diwali रावण में Mufad रावण को रफ्तार से कंपेयर कर चुके थे। So nice. तो here Mufad says कि वो रैप गेम में अपने पांव ऐसे जमा चुके हैं जैसे अंगद ने अपने पैर जमाए थे। I'm loving these mythological references. अच्छी खासी जिंदगी में हड़े बड़ी सा सिनाल का इलाज लाया सर चढ़ी का। सर चढ़ी का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, जिसको उसके साथ वालों ने या घर वालों ने सर पे चढ़ा के रखा होता है। मुफाड़ कहते हैं कि कृष्णा की सर चढ़ी का इलाज उनके पास है। बाय द वे इफ यू डू नॉट नो इट येट, मुफाड़ की स्ट्रेंथ लाइज ऑन हिज हिंदी वोकैबुलरी एंड ही इज यूजिंग इट प्रीटी वेल इन दिस ट्रैक एज वेल। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट ही यूजेस छिनाल टू रेफर कृष्णा इवन इन दिस ट्रैक, जो उन्होंने अपने पहले ट्रैक में स्टार्ट किया था। मूथ में से पकड़ते मच्छी नहीं हम। मूथ में मछली पकड़ना इज अ मुहावरा जिसका मतलब होता है कंजूस होना। तू इतना कंजूस है कि तू अपने मूत में से भी मछली पकड़ लेता है, समझ रहे हो। मुफाड सेज कि वो ऐसे नहीं है। तू शार्क तेरे जिसमें वो मूत जल परी का। कृष्णा ने अपने ट्रैक में बोला था कि गहराई में मैं शार्क मेरी लहर आ रही, तू वो जल परी जो नहर में ना तैर पा रही। वो गहरे पानी की शार्क है एंड उनकी लहर आ रही है, तो मुफाड सेज कि वो गहरे पानी में नहीं है, जल परी के मूत में तैर रहे हैं। जल परी से मुफाड का मतलब है मुफाड हिमसेल्फ एंड हाउ कृष्णा इज स्विमिंग इन मुफाड्स पिस। तू सबसे खोखला आदमी गोले का, इसका मतलब है यू आर द मोस्ट शैलो on the earth. शिववाणी में तांडव बोलेगा। शिवावाणी यानी शिवा की लैंग्वेज में मुफाड इज लाइक तांडव। तांडव मतलब शिवा का डिस्ट्रॉयर वाला अवतार। जब लॉर्ड शिवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो वो तांडव करते हैं। And Mufad is using that reference to symbolize Mufad's anger. मेरी बंदी को जानता ही नहीं, फुंसी से छोटा है सर तेरे लोड़े का, टांगों के बिछोड़ा अजवाइन गोटे का। कृष्णा ने महारानी डिस्ट्रैक्ट में मुफाड की गर्लफ्रेंड के बोलते हैं कि कृष्णा का डी फुंसी यानी एक्ने जितना बड़ा है एंड टांगों के बीच में अजवैन का जोड़ा है। अजवैन थोड़े सौंफ जैसी दिखने में होते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। रेफरिंग टू हिज बॉल्स, ब्रूटल। मुफाड को फर्क नहीं, वो 10 फैन खो देगा, घर वालों पे बोलेगा गौरव मचो देगा। मुफाड सेज कि उनको फर्क नहीं पड़ता अगर इस बीफ की वजह से वो कुछ फैंस को खो भी दे तो, लेकिन अगर कोई मुफाड के घर वालों पे कुछ बात बोलेगा तो वो जवाब जरूर देंगे। गौरव हियर इज मुफाड बिकॉज मुफाड का रियल नेम इज गौरव पाल। रागा के साथ पाली कबर तेरी खो देगा। एंड देन ही सेज कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो रागा को जैसे मुफाड ने किल करके दफन किया था तो उसी की साइड वाली कबर में वो कृष्णा को भी दफन कर देंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस रेफरेंस एंड दिस लाइन रागा हैज आल्सो अनाउंस्ड दैट ही इज गोना बी ड्रॉपिंग अ डिस ट्रैक रियली सून ऑन मुफाड। अरे बेसुरा बात करे क्लासिकल की, भाइयों किसी भी सुर में पात दो तो कृष्णा ही बोलेगा। कृष्णा ने अपने डिस में बोला था कि वो आजकल क्लासिकल सॉन्ग सुनते हैं। क्लासिकल संगीत का है शौक मुझे, आजकल उठ के चलाता हर मॉर्निंग रागा। तो मुफाड सेज कि तुम किसी भी सुर में पा दो तो कृष्णा ही बोलेगा, जिसका मतलब है कि कृष्णा की आवाज जो है वो फाट यानी पाद की तरह। इनके पीछे से लड़ने को बापता हूं बहुत है।
रेफरिंग टू कृष्णाज घंटा घर में मिल रेफरेंस। मैं घुसे वाला नहीं मिलने घंटा घर पे। मुफाड़ कहते हैं कि कृष्णा के लिए लड़ने के लिए उसके पीछे बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जिंदगी में रोज मेरी टापता हूँ मौत में। टापता हूँ का मतलब होता है घूरना। ही सेज कि वो अपनी जिंदगी में रोज मौत को घूरते हैं, मतलब ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन। तू धमकियां दे के बने कूल ठंडा रख, तेरी लंका ढहेगी फिर से, रावण को खौफ है। अगेन टॉकिंग अबाउट घंटा घर वाली धमकी देकर कृष्णा बहुत ज्यादा कूल बन रहा था। एंड देन ही सेज ठंड रख। कूल एंड ठंड आर सिनोनिम्स, बट ठंड रख मींस थोड़ा चिल कर यार। नाइस। तेरी लंका ढहेगी फिर से, रावण को खौफ है। तेरी लंका ढहेगी यानी तेरा करियर बर्बाद होगा, ऐसा रावण को डर है। रावण हियर मींस रफ्तार। रिमेम्बर हाउ हैप्पी दिवाला रावण में भी रफ्तार को रावण की तरह रेफर किया गया था। ये होता क्या? ओ ऐसे तो करती लुगाई है। कृष्णा के महारानी डिस्ट्रैक में एक सेगमेंट था ओ वाला। ओ बुरा लगा, रफ्तार भैया ने बुलाया नहीं हसल में, ओ बुरा लगा। उसके जवाब में मुफाड़ ने बोला कि ओ तो लड़कियां करती है, ये कृष्णा क्यों कर रहा है? बोलो बेटा रा, मुंह में लेने का टाइम है। Then he says रा बोल। रा is an adlib of रफ्तार, जो कि रफ्तार अपने हर गाने में यूज करते हैं। मुफाड़ कृष्णा को कहते हैं कि रा बोल के अपना मुंह खोल और रफ्तार का ले ले। You understood that, right? बेटा मुंह खोलो, केला मिलेगा लंच टाइम में। कृष्णा ने अपने पिछले डिस्ट्रैक्ट में बोला था कि मुफाड़ को देखकर कृष्णा को लगता है कि उनका लंच टाइम है, बिकॉज वो मुफाड़ को खा जाएंगे। Here मुफाड़ says कि लंच टाइम में तू केला खा ले। केला is referring to obviously D. शिनाल बोली वाह, ये तो अच्छा खासा साइज है। TV. टीवी पे आया मैं करियर के तीसरे महीने में, फेम की चुल तो तभी खत्म थी सीने में। He is responding to Krishna's diss, saying रफ्तार भैया ने बुलाया नहीं हासिल पे, and saying कि वो टीवी पे बहुत पहले आ चुके और उनको जो फेम की भूख थी ना वो रही नहीं है, बची नहीं है बिल्कुल। की हासिल तभी पहुंचा यहाँ तक, अड़स्तान मार के आया तुझे भेड़ के दीने पे। And then he says कि उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत हासिल किया है और रास्ते में हासिल करते करते वो आर्टिस्तान को भी मार के आए हैं। And here हासिल किया है is also a taunt कि मैंने हासिल टीवी शो तो नहीं किया बट रियल लाइफ में असली हासिल किया है। घूमते सारे ये झुंड में सहपरिवार, चले जाओ जाके कुंडे में। Again referring to how the whole कलमकार standing against him, and then he says कि जाओ तुम सारे के सारे जल जाओ कुंड में। Now कुंड is fire जो हवन के time पर जलाया जाता है, short form of हवन कुंड। उठेगा धुआं दिखेगा नहीं धुंध में, बंटी का size बड़ा model है बुंड में। Then Mufar says कि बंटी यानी MEVA का size बहुत ज़्यादा बड़ा है, and ask Krishna कि उसे बुंड में डाल दो। If you have noticed काम का इतना ज़्यादा pressure और इतनी जल्दी जल्दी मुझे content put out करना है कि मैंने गालियों को सेंसर करने में अपना दिमाग लगाना absolutely छोड़ दिया है। Moving on। सांपों के परिवार में छोड़ा हुआ नेव वाला खा जाएगा रख के छिनाले जा प्लेटे लाटे। This line is from Mufar to himself। वो बोलते हैं कि वो सांपों के परिवार यानी कलमकार के अगेंस्ट खड़े हुए अकेले नेवले हैं। नेवला इज अ मोंगूस जो स्नेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन यानी एनिमी है। वो आगे कृष्णा को प्लेट लाने को भी कहते हैं। इनसे पहले जाता पेट। Now here he is dissing अंकित खन्ना on his body weight and how उनका पेट जो है वो सबसे पहले एक रूम में एंटर हो जाता है। Welcome Krishna की आज है गोद बहराई, भरने को गोद तेरी मौत घर आई। This is a response to diss जिसमें कृष्णा ने बोला था मुफाड़ को कि इस diss के बाद मुफाड़ के पैर भारी हो जाएंगे। सुना तुझे भी अपनी है मरवानी, होंगे इस ठुकाई के बाद तेरे भी पैर भारी। मुफाड़ says welcome आज गोद भराई है, जो की एक सेरेमनी होती है प्रेगनेंट वुमेन के लिए। मुफाड़ रेफर्स टू हिमसेल्फ एज मौत एंड सेज कि तुझे प्रेग्नेंट करने के लिए मौत आई है आज। राजे ने धरती पे धूम मचाई, मैं कब हुआ बेटा 3 लेवल से साइड, तेरे फैक्ट्स भी गलत, तेरी मैथ्स कर बढ़ाई 10 घंटे में, चूतिया वो डिस थी बना। हियर मुफाड़ क्वेश्चंस कृष्णास फैक्ट। पहले जब उन्होंने बोला था कि 3 लेवल्स में से किसी को भी मुफाड़ लॉक नहीं कर पाया, 4 साल 3 लेवल लॉक नहीं कर पाया। एंड सेकंडली जब उन्होंने क्वेश्चन किया था अबाउट हाउ मुफाड़ हैज नॉट मेड हिज डिस इन 10 आवर्स, रादर ही हैज टेकन 22 एंड अ हाफ आवर्स टू अपलोड दैट डिस। मैंने डाला गाना 11:30, तूने डाला 10 पे 22 घंटे, मैच की दर है। मुफाड़ का कहना है कि वो जो डिस है वो टोटल उन्होंने 10 घंटे में बना ली थी एंड देन वीडियो स्केड्यूल करके रख दी थी। वेरस कृष्णा सेज कि वीडियो जो रिलीज हुई थी वो 22:30 घंटे के बाद हुई थी, तो 10 घंटे काउंट करना सही नहीं है। Now, आपके हिसाब से 10 आवर्स है या 22 एंड हाफ आवर्स है वो आप डिसाइड करके बता दो कमेंट्स में। तेरी काली कॉपी तेरा एक और भाई जिसने हसल के स्टेज से जनता बनाई। काली कॉपी इज अ रेशियल डिस टू किंग रॉको। करियर से रियलिटी शो हटा दो तो रियलिटी में शो लाइक घंटा नहीं लाइफ। दिस इज द बेस्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग। हियर ही सेज कि किंग रॉको ने हसल नामक एक रियलिटी शो से फेम पाई है एंड अगर उनके लाइफ से शो हटा दो तो उनके पास रियलिटी में कुछ शो करने को नहीं है। सुपर्ब वर्ड प्ले, ब्रिलियंट लाइन। इज्जत से बैठ जा या खड़ा हो जा इज्जत में। अगेन अ गुड वर्ड प्ले। वो बोल रहे हैं इज्जत से बैठ जा मतलब इज्जत से क्विट कर ले गेम
या खड़ा हो जा इज्जत में, यानी स्टैंड अप फॉर मी इन रिस्पेक्ट। डीएमएफ दोनों साथ मेरे मुद्दत से। कृष्णा ने अपने डिस्ट्रैक में बोला था कि मुफाड़ पे डीएमएफ ने कभी ध्यान नहीं दिया। बुरा लगा तुझ पे डीएमएफ ने कभी ध्यान नहीं दिया। एंड वो जिकी मीडिया के कूड़ेदान में पड़े हैं। पड़ा जिकी मीडिया के कूड़ेदान में, मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते। उसके जवाब में मुफाड़ ने ये बोला है कि जिकी और डीएमएफ दोनों ही उनके साथ खड़े हैं। काफी लोग करना चाहते थे साइन, पर मैं भी किसी एक का हूँ, वो भी पूरी शिद्दत से। काफी लोगों से मुफाड़ रिफर्स टू हाउ आर्टिस्तान एंड कलमकार वांटेड मुफाड़ इन देयर लेबल, बट वो सिर्फ डीएमएफ के साथ लॉयल हैं। इतना पुराना करे म्यूजियम रिजेक्ट। अ क्विक डिस ऑन हाउ ओल्ड कृष्णा इज। ही सेज कि वो इतने पुराने हैं कि म्यूजियम, जो एक्चुअली पुरानी चीजें रखने के लिए जानी जाती है, वो भी कृष्णा को रिजेक्ट कर देती है। यूज मिले जो किसी के यूज मिले, फैक्ट्स तुझे दे रहा हूं ना, पर तू भी तो दे। रिस्पोंडिंग टू कृष्णास डिस की मुफाड़ लास्ट एक साल में 1 मिलियन नहीं क्रॉस कर पाए हैं। एक साल से मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया। हियर मुफाड़ सेज कि जो व्यूज कृष्णा को मिले हैं वो भी यूज्ड व्यूज मिले, यानी एमईवे का यूज करके कृष्णा ने व्यूज कमाए हैं। तुझे दे रहा हूं ना, पर तू भी तो दे। हियर मुफाड़ सेज कि मैं कृष्णा को व्यूज दे रहा हूं। हुआ नहीं उस दिन की सुबह साउंड चेक, फैक्ट के नाम पे तूने सबको ये गोली दी कि मेरे अकेले की सांसों पे फूली थी, व्यंजन पे मचानी हल्ला, पर बेचमा डॉग पे पब्लिक में झूमी थी। मुफाड़ इन दीज लाइंस इज रिस्पोंडिंग टू कृष्णास डिस कि मुफाड़ की जो सांस थी वो शो में फूल गई थी। ही सेज कि उस दिन सुबह साउंड चेक नहीं हुआ था, एंड सिर्फ उन्हीं का परफॉर्मेंस अकेला नहीं था जो बुरा हुआ था उस दिन। ही गोज ऑन टू से कि व्यंजन जो कृष्णा का गाना है उसमें पब्लिक एकदम शांत बैठी हुई थी, पर बिच एम अ डॉग नाम का जो गाना मुफाड़ ने परफॉर्म किया था उस पर क्राउड का रिस्पांस काफी ज्यादा सही था। तेरे बारे में करूं क्यों ब्रेनस्टॉर्म, तेरी जिंदगी करियर दोनों लेम बॉय। कृष्णा ने अपने डिस में बोला था कि आज कल मुफाड़ बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं कृष्णा के बारे में। करने लगा ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा, पर हमले से पहले एक वार्निंग आता। मुफाड़ हियर रिस्पॉन्स टू दैट बाय सेइंग कृष्णा का करियर इतना लेम है कि उनके बारे में मुफाड़ सोचते भी नहीं है। तेरी टीम बिना तू अपाहिज नाल में वन मैन आर्मी स्टिल द सेम गॉड। एंड देन मुफाड़ सेज कि कृष्णा इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज टीम कलमकार, बट मुफाड़ इज अ वन मैन आर्मी। सर येलो टूथ डोंट यू डेयर ब्रो। वंस अगेन रेफरिंग टू कृष्णा के पीले दांत जो उन्होंने अपने प्रीवियस डिस में भी बोला था। मैं उड़ता परिंदा तू स्केयर्ड क्रो। मुफाड़ सेज कि वो उड़ता परिंदा है एंड कृष्णा इज अ स्केयर्ड क्रो। स्केयर्ड क्रो इज अ वर्ड प्ले बिकॉज स्केयर क्रो इज अ पुतला जो खेतों में लगाते हैं अपने क्रॉप्स को चिड़िया से बचाने के लिए, बट स्केयर्ड क्रो मतलब डरा हुआ कौवा। तो मुफाड़ हियर उड़ता हुआ परिंदा है और कृष्णा डरा हुआ कौवा, ऐसा मुफाड़ कह रहे हैं। फैक्ट के नाम पे पर्सनल अटैक। टॉकिंग अबाउट हाउ कृष्णा ने अपने डिस में पर्सनल अटैक्स किए हैं मुफाड़ के ऊपर। खुदा ना खास्ता मैं छींकू भी जहर ब्रो। खुदा ना खास्ता इज अ स्मॉल रिस्पॉन्स टू हरजस बिकॉज उन्होंने अपने डिस में कहा था, जिनका तू खास्ता मैं उनका खास हूँ, खुदा ना खास्ता मैं तुझ पे ना खास दूँ। उसके रिस्पॉन्स में मुफाड़ ने बोला है कि भगवान खास्ता नहीं, मैं जहर छींकता हूँ, कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू गॉड बिकॉज उनके पिछले डिस का नाम था बिच आई एम अ गॉड। ऑल्सो खुदा ना खास्ता मतलब गॉड फॉरबिड भी होता है। ग्रेट लाइन ब्रो। पंच लाइन हम किसके माथे पे खट खट, हेडशॉट परिवार खत्म लाया मैं संकट। लुक एट दिस पिक्चर एंड नोटिस हाउ सबके सर पे हेडशॉट है पर रफ्तार की गर्दन पे है, रेफरिंग बैक टू द लाइन तेरे मालिक के गर्दन पे आ लिपटा। ऑल्सो ही सेज पंच लाइन अंकित के माथे पे। पंच लाइन मीन्स मीनिंगफुल या इम्पैक्टफुल लिरिक्स, बट हियर इट ऑल्सो मीन्स मुक्का पड़ने पर छोड़ा हुआ स्कार जो मुफाड़ ने कलमकार के फाउंडर अंकित के फोरहेड पर छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि इस हेडशॉट के बाद पूरा कलमकार खत्म हो जाएगा। मारा गया नंदलाला तेरा नटकटम कॉपी, अब भागेंगी छोड़ के अपन घट। नंदलाला इज अ नेम गिवन टू यंग लॉर्ड कृष्णा। मुफाड़ सेज कि कृष्णा रेफरिंग टू रैपर कृष्णा ऑफ कोर्स, वो मारा गया और गोपियां जो उन लड़कियों को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है जो भगवान कृष्णा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मुफाड़ सेज कि कृष्णा के मरने के बाद उसको प्यार करने वाले सारे इधर उधर भागने लगे। हो जाओ सारे इकट्ठे, प्रजा मेरी देख लेगी, शर्म की बात है पूरी फौज हिला दी एक नहीं। लास्ट लाइन अगेन इज वेरी पावरफुल जिसमें मुफाड़ कहते हैं कि मैंने अकेले पूरी कलमकार की फौज हिला दी। एंड विद दैट द ब्रेकडाउन इज ओवर एंड द फाइनल स्कोर इज नाउ। जैसे मैंने अपना पॉइंट रखा अबाउट हाउ नंबर ऑफ डेज टेकन टू पुट आउट डिस वोंट बी टेकन इनटू अकाउंट, आई ऑल्सो हैव टू मेक इट क्लियर दैट मुफाड़ बीइंग अकेला इन दिस शुड ऑल्सो नॉट बी अकाउंटेड। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर मैं 10 लोगों के पास जाऊँ और उन्हें इंडिविजुअली मुक्का मार के आ जाऊँ एंड उसके बाद वो 10 के 10 लोग मुझे वापस मारने आए, तो मैं ये बोल के अपना डिफेंस नहीं कर सकता कि अरे ये देखो 10 लोग मुझे अकेले को मारने आ रहे हैं, बिकॉज आई डिजर्व दैट, मैंने उन 10 लोगों को मारा है। एंड मोर ओवर इसी ट्रैक में मुफाड़ ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि उनके साथ डीएमएफ और जिकी मीडिया दोनों ही खड़े हैं। जिकी डीएमएफ दोनों साथ मेरे मुद्दत से। लाइक हाउ कृष्णा के साथ कलमकार खड़ा है।
सो अकॉर्डिंग टू मी जो बीफ है कृष्णा और मुफाड के बीच में वो बहुत ही ज्यादा लेवल ग्राउंड में खेली जा रही है. सो वी शुड लाइक और डिसलाइक अ सॉन्ग बेस्ड ऑन हाउ गुड और बैड इट इज एंड नॉट बिकॉज अरे इसको तो ट्रैक निकालने में 5 दिन लगे आई एम गोना टू डिसलाइक दिस सॉन्ग या फिर अरे देखो बेचारा अकेला खड़ा है यार सबके सामने आई लाइक दिस ट्रैक. हैविंग सेड दैट दिस इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर्स कुड डिफर सो फील फ्री to use your point of view and your discretion while making decision. And with that, it's time to end the video. So guys, that was Moksh's song by Mufar and its lyrical breakdown by Rohan Karyapa. Okay, so guys, song to bahut hi matlab sab brutal tha, theek hai. Bars iske kafi acche the and I'm like, yaar, कृष्णा को एक टक्कर का कॉम्पिटिटर मिला है. लाइक आई वुड से आफ्टर लिसनिंग टू दिस ट्रैक लाइक सीरियसली कृष्णा लिरिकली अच्छा है और मुफाड हिज ऑल्सो लाइक टू गुड. लाइक उसने जो इसमें रेफरेंसेस दिए है उसने जिस तरीके से इसमें मतलब किल किया है ना लाइक सीरियसली दैट वॉज जस्ट Insane यार, that was insane. उसने literally पूरा कलमकार word use किया है इसमें. मतलब उसने पूरे label को इसमें almost diss किया है. And that takes courage, man. Like this was too damn good. I just loved this track. बहुत मजा आया मतलब सुनने में और also lyrical breakdown के बाद तो यार मतलब पूरा माइंड में मुझे पता चल गया कि क्या मीनिंग है इस गाने का. वरना यार मुझे तो पता ही नहीं चलता मतलब क्या बोल रहा है रावण किसको रेफर किया है यार ये ना मुझे पता ही नहीं चलता कुछ. बट दिस वॉज लाइक यू नो बहुत अच्छा ट्रैक लगा मुझे. लाइक आई लव दिस ट्रैक. इसके बाद कौन सा गाना है गाइज मुझे कमेंट में जरा बताना. आई हैव नो आइडिया. आप लोग सजेस्ट करते हो उस हिसाब से मैं यू नो लाइक रिएक्ट करती हूँ और सुनती हूँ आप लोगों के साथ. तो हाँ गाइज यही था मेरा रिएक्शन. आई लव द ट्रैक. ओके यही था मेरा रिएक्शन. इफ यू लाइक द रिएक्शन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर डेली रिएक्शंस. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. सी आई लव यू गाइज.